हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे जो कलश यात्रा की शुरुआत हो रही है, जो भागवत कथा होती है उसकी शुरुआत हो रही है, और भागवत कथा की शुरुआत होती है कलश यात्रा से। तो कलश यात्रा निकाली जाएगी पहले, और यहाँ पे सब तैयार हैं, और जो मतलब पहले पंडित जी, व्यास जी जो भी करना होता है पहले वो सब करेंगे, जो मंत्रोच्चारण या जो भी होता है, उसके बाद जो है यात्रा निकलती है। और ये मंदिर हमारी गली में ही है, हमारे घर से 2 घर छोड़कर ये मंदिर है गली में। तो यहाँ पे सबके कलश वगैरह रखे हुए हैं, और बस इसके बाद ये लोग निकलेंगे। और ये मैं नहीं गई थी इन लोगों के साथ, क्योंकि तन्मय की वजह से वो था। अगर तन्मय परेशान ना कर रहा होता है, उसकी तबीयत ख़राब नहीं होती, तो मैं ज़रूर जाती, कलश ना लेकर जाती, लेकिन इन लोगों के साथ साथ जाती देखने के लिए कि कहाँ तक जाएंगे ये लोग। अच्छा लगता है इस तरीके से, लेकिन मैं जो है नहीं गई गई जा पाई थी। यहाँ पे कलश यात्रा शुरू हो चुकी है, मंदिर से निकल रहे हैं, और मैं भी घर से निकल आई हूँ इन लोगों का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। और मम्मी बार बार बोलती हैं टीना को जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ कि उधर देखो उधर देखो। अच्छा लगता है इस तरीके से जब भी मम्मी उसको बोलती है फ़ोन की तरफ देखने के लिए। तो अब सब लोग जा रहे हैं गली के इस तरफ से जा रहे हैं ये लोग, और गुड्डू गई है मामी का वीडियो बनाने या फिर उनका फ़ोटो खींचने के लिए। गुड्डू को बहुत शौक हो रहा था मामी के फ़ोटो निकालने का। तो ये लोग अब आ चुके हैं, जो कलश यात्रा है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये लोग जो है मंदिर में जाएंगे, शायद वहीं पे कलश छोड़े जाएंगे, क्योंकि मुझे याद है हम लोगों के वहाँ भी होती है तो कलश वहीं छोड़ दिए जाते हैं। जिस दिन हवन होगा, कथा समाप्त होगी, उस दिन ये कलश मिलते हैं। तो ये लोग जा रहे हैं मंदिर, और सबके हाथों में देखिए कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कान्हा जी हैं सबके पास टोकरियों में। पाँच बज के आठ मिनट हो रहे हैं, और हाँ बेटा हाँ, और यही बैठी हैं टीना जी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही हैं, साड़ी पहनी हुई है, और टीना की मेहंदी दीदी ने लगाई, मैंने लगाई थी कल रात को, टीना अपने आप लगा दी थी यहाँ पे, और ये मुझे नहीं बोल रही कि दीदी लगा दो थोड़ी सी, अपने आप लगा रही थी। शायद इसको ये लग रहा होगा भाई दीदी ना ना कर दे ये वो है, टाइम हो गया था। मैंने बोला टीना तू ऊपर आ, मैं तेरे को लगाती हूँ मेहंदी, तो मोबाइल की रोशनी करी रूपक ने, फिर मैंने इसको मेहंदी लगाई, और अब हम दोनों के हाथ हो गए हैं मेहंदी वाले। अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, चूड़ियों से हाथ अच्छे लगते हैं। अब मम्मी मेरी तरफ देख रही है, तू चूड़ियां नहीं पहनती, बिंदी इतनी सी लगाती है, तिल वाली। मम्मी मेरे को बहुत गुस्सा करती है इन सब चीजों के लिए कि तुम जो है कुछ सुहागो वाले काम किया करो, चूड़ियां पहना करो भर भर के हाथों में, बिंदी लगाया करो बड़ी सी, लेकिन मन मेरा करता है, मैंने इसीलिए ये बिंदी लगाई है, और
ये तिल है, ये रेड कलर का तिल है। देखो मेरी भाभी और मम्मी दोनों मिलके मुझे इस चीज के लिए चिढ़ाती हैं। मम्मी देखो दीदी ने कितनी बड़ी बिंदी लगाई हुई है, तिल लग रहा है ये बिंदी थोड़ी। खुद ने आज बहुत बड़ी बिंदी लगाई है। हाँ अब देखो जिसको शीशे में घुस के देखना पड़ रहा है, हाँ लगाई है। तो टीना आ चुकी है और टीना जब मंदिर में थी मैं आज कोई वीडियो नहीं बनाने वाली थी क्योंकि तन्मय की तबीयत जो है खराब चल रही है। तो कल भी कोई वीडियो नहीं बनाया था, आज भी नहीं, लेकिन आज जो है यहाँ बराबर मंदिर है तो वहाँ पे भागवत कथा हो रही थी, स्टार्टिंग आज से स्टार्ट हुई है, कलश यात्रा हुई है। तो मम्मी ने कहा कि चलो वीडियो बनाओ क्योंकि टीना गई हुई थी, तो मम्मी मुझे अंदर से बुला के लेके गई है कि टीना गई हुई है, वीडियो बनाओ जल्दी, बहू को दिखाना है। तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। वहाँ गई मम्मी, टीना की जो है सर पे रखा हुआ था टीना ने, क्योंकि हमारे यहाँ मेरे घर में रखते हैं सर में, सर पे पल्ला रखते हैं। अब इसे आप कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि मैं नहीं रखती हूँ। और टीना को कैसा लगता है सर पे पल्ला रखना? सही लगता है मुझे। और टीना की फैमिली में भी, मायके में भी रखते हैं टीना, तो घूंघट करते हैं। हाँ तो ये रिवाज होता है देखिए अपना अपना, जैसे यहाँ पे भी पहले घूंघट था हमारे घर में लेकिन अब सर तक का हो गया है। और मैं तो मम्मी को मना करती हूँ, मैंने कहा मम्मी मत कराया करो ये वो, लेकिन मम्मी कहती है जो चीज शुरू से चलती आ रही है हम तुम्हारे कहने से नहीं बदल सकते भाई, सर पे तो रखना पड़ेगा मेरी बहुओं को। तो ठीक है देखिए मैं इस चीज में दखल अंदाजी नहीं कर सकती इनके घर में। और टीना आरो के घर में घूंघट करते हैं, जो टीना की भाभी है वो घूंघट करती हैं। तो इस तरीके से है, गांव है और गांव भी नहीं, जिन लोगों के यहाँ ये सब चीजें होती हैं वो होती ही है। हाँ, शहरों में भी हो रहा है घूंघट तो। हम इस चीज में किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई घूंघट पर्दा, पहली बात तो सर पे पल्ला रखने से या घूंघट करने से या ना करने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता, सबकी अपनी अपनी सोच है। ये मेरी सास ने नहीं करवाया था मुझसे शुरू से, तो अब मैं क्या करूं। बस चल रहे हैं तैयार होते हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट कुछ शॉपिंग करने के लिए। और हम दोनों के मेहंदी वाले हाथ कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे भी। और ये नेल पेंट हल्दी वाला लगता है मेरी मम्मी को कि ये हल्दी लगा ली हाथों पे नाखूनों पे। मम्मी यही बैठी है, बच्चे भी यही है, हम सब यही बैठे हुए हैं। ये गुड्डू की मेहंदी है जो टीना ने लगाई है, ये भी टीना ने लगाई है और ये दूसरे हाथ पे भी टीना ने लगाई है। टीना ने मेहंदी सीखी है कोटा में अपनी नानी के यहाँ पे, वहाँ बैठी हुई है उधर, हम ननन भाभी इधर बैठे हुए हैं। ये साड़ी बहुत हैवी है तुझे, वो नहीं गर्मी नहीं लग रही? नहीं, आप मौसम कहाँ है यार? मम्मी तो चाहती है मेरी बहू साड़ी पहने, गर्मी क्यों लगेगी साड़ी में? हम तो साड़ी पहन के पहले सारा काम कर लिया करते थे, मम्मी करती थी पहले, हमने भी देखा है। मम्मी साड़ी पहन के जो है पूरे घर का काम A to Z सब कुछ कर लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो तो जब ऑपरेशन हुआ था मेरी मम्मी के हार्ट का तो तब से जो है मेरी मम्मी सूट पहनने शुरू कर दिए, वरना हमारे घर में ज्यादातर साड़ियाँ ही। तो अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ आज टीना को अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाने की तैयारी। तो उसने देखा था एक वीडियो में कि मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया था, तो उसको था कि मतलब उसने बोला था कि दीदी आपने बनाया था तो मुझे बताना कैसे बनता है। मैंने कहा तुझे खाने का मन है, तो वो बोल रही थी हाँ, तो मैंने कहा चलो मैं ही तुम्हें बना के खिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही बना रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से बना रही हूँ। 2 शिमला मिर्च हैं और 1 प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, 2 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के भी नहीं, वो तो 2 छोटे छोटे टमाटर हैं, और बस इतना ही, 3 टमाटर प्याज और शिमला मिर्च, और मक्खन ले लिया है इनको सेकने के लिए, चीज़ को जो है कद्दूकस करके रख लिया है पहले ही। तो फ्राई पैन में बना रही हूँ मैं, क्योंकि जो लोहे वाला तवा होता है उस पर ये ब्रेड अगर आप बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी जलने लग जाते हैं, नॉन स्टिक में उतनी जल्दी जो है जलते नहीं हैं, और सिम आँच पे इनको बनाना होता है, और ऊपर से आप प्लेट ढक दीजिए तो बहुत अच्छे से ये बन जाते हैं। उसके बाद जो है जैसे आपने प्याज शिमला मिर्च टमाटर ये सब डाला, उसके बाद आप इस पे चीज़ डाल दीजिए, उसके बाद आप इस पे जो है काली मिर्च और नमक और चिली फ्लेक्स वगैरह जो भी है वो सब डाल दीजिए। आप लोग भी खा लीजिए, मैंने टीना के लिए बना दिया है, उसको बहुत मन था मेरे हाथ का ब्रेड पिज्ज़ा खाने का, तो मैंने कहा चलो, और किचन में थोड़ा लाइट यहाँ पे कम है तो आप लोग भी खा लीजिए, और देखिए कितना अच्छा बना है। अब टीना खाकर बताएगी कि उसको कैसा लगा। और शाम का जो नाश्ता वाश्ता होता है वो सब खाने पीने के बाद हम लोग बैठ गए हैं बाहर, और मम्मी और मैं सिर्फ जो है तन्मय के चक्कर में परेशान हो रहे हैं आजकल, क्योंकि वो खा पी नहीं रहा है, तो यहाँ उसी की बात चल रही थी, और बॉटल जो है यहीं पर हम मेरी और मम्मी की बात हो रही थी कि बॉटल ले आएँ इसकी, और फाइनली हम ले भी आए थे बाद में बॉटल, क्योंकि क्या करें जब वो कुछ खा पी नहीं रहा था, कुछ खिलाने का था उसको।
मम्मी हाँ खोल के दिखा दो अभी खोल के खोल। तो आज मुझे तन्मय की बॉटल मंगानी पड़ी और हम बाजार भी नहीं गए क्योंकि तन्मय ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया है, दवाई दी है और एक ब्रेड बहुत मुश्किल से खिलाया है इसको। तो एक माँ मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग बॉटल छुटाएं इतनी मुश्किल से फिर अपने बच्चे को बॉटल से दूध पिलाएं, क्योंकि सब कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश कर ली मैंने। हाँ बेटा, नानी आ रही है, नानी देगी आपको दूध गर्म करके। आ गई, चलो नानी आ गई। तो उसको दूध की बॉटल मंगाई है क्योंकि वो कुछ खा पी नहीं रहा, सारे जतन करके देख लिए। बाहर की चीज डॉक्टर ने बिल्कुल सख्त मना की है, चौमिन मैगी बर्गर जो भी है, मतलब पहली बात तो वो कुछ भी खाने के लिए हाँ नहीं कर रहा है। अभी फ्रेंच फ्राइज बनाए थे लेकिन उसने वो भी नहीं खाए, मैंने बनाए गुड्डू के लिए तो जो है गुड्डू ने खा लिए थोड़े से, उसने नहीं खाए। ब्रेड पिज्जा बनाया वो भी नहीं खाया उसने। तो मैंने कहा चलो मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है टीना ने, वो भी नहीं खाई उसने। तो अब जो है मैंने कहा ये देते हैं इसको दूध। मैंने उससे पूछा तुम दूध पियोगे अपनी बॉटल से, कि हाँ मैं पीऊंगा। तो क्या करें, भूखा भी नहीं देख सकते अपने बच्चे को। तो मैंने कहा चलो मम्मी इसके लिए जो है बॉटल लेकर आओ, तो मम्मी बॉटल लेकर आई है इसके लिए। और मम्मी तो मुझे सुबह से ही बोल रही थी कि मैं बॉटल ला देती हूँ, ये दूध पी लेगा बच्चा, दूध पी ले कोई बात नहीं हट जाएगी बॉटल। तो तन्मय अब दूध पी लेगा, बड़ी मुश्किल से छुटाई थी, क्या करें अब। एक माँ समझ सकती है इस चीज को और आप बहुत सारी माएं हैं जो मेरे वीडियोस को देखती हैं तो वो सब समझ सकती है इस चीज को। तो उसको जो है देखती हूँ दूध पी रहा है नहीं पी रहा, और बहुत खुश हो रहा है अपनी बॉटल लेके घूम रहा है, ये नहीं दिखाया, बहुत खुश हो रहा है। और बहुत ज्यादा कमजोर भी हो गया है तन्मय, तो बस आप पिएगा। अच्छा, तो तन्मय खुश है, उसको एक नई बॉटल मिल गई है, अपनी दूध की बॉटल मिल गई है। और अभी मैं उसकी ये बॉटल जल्दी से नहीं हटाऊंगी क्योंकि मेरे लिए उसकी दूध की बॉटल हटाना ज़्यादा मुश्किल भरा नहीं, पहले भी नहीं था और मुझे लगता है कि नहीं आगे होगा, क्योंकि इस वक्त उसके लिए कुछ ना कुछ खाना पीना बहुत ज़रूरी था। तो क्या करते हैं, करना पड़ा। और यहाँ पर अब मैं खा रही हूँ खाना, मेरे लिए खाना आ चुका है, आलू बैंगन की सब्जी और चावल। और आलू बैंगन की जो सब्जी है हल्के से रस्से वाली है, ज़्यादा रस्से वाली नहीं है, हल्की सी बोल सकते हैं कि लिटपिटी थी, जो बोलते हैं हम लोग बोल देते हैं ऐसा कुछ लिटपिटी वाला, तो इस तरीके से थी। और जो आलू बैंगन की सब्जी हो, आलू गोभी की सब्जी हो, आलू मटर की सब्जी हो, या फिर जिनको चावल बहुत बुरी तरह से पसंद होते हैं वो किसी भी सब्जी के साथ मुझे लगता है कि खा लेते हैं चावल, यहाँ तक कि मैं तो कभी कभी साग के साथ भी खा लेती हूँ सर्दियों में। तो आप लोग भी खा लीजिए, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।